दिव्यांका त्रिपाठी और उनके हस्बैंड हर्ष धैया दोनों ही पहुंचते हैं आइकॉनिक अवार्ड्स में। आप लोगों को बता दो दोस्तों, तो यहाँ पर मीडिया ने तीखे सवाल किए, स्पेशली लास्ट जो सीजन गया था खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 उसको लेकर। दोस्तों दिव्यांका जी ने काफी ज्यादा बड़ी बातें बताई हैं और साथ ही साथ चैनल के बायस्ड होने पर भी कुछ बात कही है। क्या कही है सुनिए। हाय हाय हाय, बहुत अच्छा। अरे इट्स सो गुड टू बी बैक टू नॉर्मलसी। दिस यूज्ड टू बी अ रेगुलर थिंग यार, ये अवार्ड्स और यू नो गेट टुगेदर्स एंड ऑल ऑफ दिस। दिस हैज बिकम सच अ प्रिविलेज नाउ। एब्सोल्युटली, मतलब बहुत दिनों के बाद अपने घरों से बाहर निकलना सज धज के गेटिंग रेडी फॉर एन अवार्ड शो, कुछ नई सी फीलिंग है बहुत समय बाद। हम बहुत सारा एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के दिन, क्योंकि बहुत वक्त हो गया है, हमने भी स्टेज परफॉर्मेंसेस नहीं होते हुए देखे हैं। स्टेज परफॉर्मेंस यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है? नहीं, बट इट्स मोर इम्पोर्टेंटली इट्स टू मीट आवर पीयर्स यार, मीट आवर कॉलीग्स, वो बहुत ज़रूरी है। कि इन टच तो नहीं है हम लोग बहुत लोगों से, तो अच्छा होगा कि काफ़ी लोगों से आज रूबरू हो जाएंगे वापस से। जैसे आप लोगों से कितने समय बाद ये चेहरे देख रहे हैं हम, जो अवार्ड लेके आ रहे हैं ये भाई साहब यहाँ पे। Come, let's have one. So Dheeraj is the star of the evening, of course. He is. He always is. And I'm shining more because the two more stars coming and joining me. You're leaving already? Yeah, I've been here since last half an hour. Oh, okay. Chal, theek hai, say hi to me. Yes. You guys are looking gorgeous, huh? Thank you. Absolutely. Yeah. Look at them, man. I like your jacket. Oh, thank you. Interesting. Kitna kuch hai. Lot of flowers. It's like, haan, khub sara artwork ho rakha hai. I can study. ये लॉकडाउन की खेती है। मैंने नहीं, हिस्टोरिक वाली नहीं है। ये मुझे बहुत लोगों ने बोला कि ये माइथो वाली लुक लेके क्यों घूम रहा है, लेकिन वैसा नहीं है यार। ये माइथो के अलावा भी लंबे बाल किए जा सकते हैं। थोड़ा एक्शन फ्रेंडली मुझे बहुत पसंद है, इनको बहुत ज्यादा पसंद है। कुछ फैंस ने सजेस्ट किया था आप कटवा लीजिए, मैंने उनके सर पे बंदूक रख दी, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आई रियली लाइक देम। इनफैक्ट जब ये एक्शन का कुछ कर रहे होते हैं ना, व्हेन ही वर्क्स आउट एंड जब एक्शन सीक्वेंसेस शूट कर रहे होते हैं, वो उड़ते हुए बाल बहुत स्लो मो सेक्सी लगते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। यार अभी फिलहाल तो अभी एक प्रोजेक्ट की बात चल रही है, उसके बाद वो एक बार मैं शूट कर लूँ, उसके बाद मे बी। कॉन्ट्रोवर्सी, यू आर नॉट द फेस ऑफ चैनल दिव्यांका, से इवन आई वॉन्ट टू हियर दिस। कुछ बातें ऐसी होती है जो कि शुरू से मालूम होता है कि पानी किस तरफ बह रहा है, नदी है भाई, पानी जहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ जाने वाला होता है कई बार मालूम होता है, लेकिन अच्छी बात है, खुशी की बात है कि मुझे बहुत 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 सारा प्यार मिला है। डिसअपॉइंटमेंट देखिए होता है जब आप बहुत मेहनत करते हैं और आपको वो नहीं मिलता जो कि आपका अल्टीमेट गोल होता है और जो कि थोड़ा लग रहा होता है कि स्वाभाविक सा है। तकलीफ थोड़ी होती है लेकिन वो किसे नहीं होती, किसी को भी जिसके भी हाथ में वो अंतिम अवार्ड नहीं आएगा उसको लगेगा थोड़ा सा बुरा, मुझे भी लगा। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे उसके बाद जब मैंने फाइनल स्टंट किया था, ये बात किसी ने देखी नहीं क्योंकि कैमरा पर दिखाई नहीं गई, जब फाइनल स्टंट मेरा ख़त्म हुआ था और उसके बाद जो तालियां मेरे लिए
पूरी टीम ने जो कि साउथ अफ्रीकन टीम थी, उन अंग्रेज़ों ने मेरे लिए तालियां बजाई, एक एक ने आके मेरे गले मिले और बोला कुछ भी रिजल्ट हो आप हमारे विनर हो। तब तो रिजल्ट अनाउंस हुआ नहीं था एंड उनमें से एक लेडी थी एंड शी केम एंड सेड यू नो व्हाट आई वांट माय डॉटर्स टू बी लाइक यू दे शुड बी एज ब्रेव एज यू। बस यार हो गया इतना प्यार, इससे ज़्यादा क्या चाहिए लाइफ में। या एंड सम अवार्ड्स सम अचीवमेंट्स आर बिगर देन अवार्ड्स एंड दैट्स व्हाट शी डिड शी वन एवरीवनस हार्ट that's the most important thing here. People remember her. एक स्टंट के जो हेड थे उन्होंने मेरे लिए एक शायरी भी गाई थी, तुम किसी की हो जाओ, क्या था वो, मैं तुम किसी की हो जाओ, मैं ये होने नहीं दूंगा, हाँ ऐसे समथिंग लाइक दैट। वो कौन सा धड़कन मूवी का है क्या ना, मुझे याद नहीं है सॉरी शायरी, लेकिन उन्होंने याद करके मेरे लिए हिंदी में शायरी बोली थी, वो भी नहीं दिखाया गया खैर, लेकिन हाँ बहुत प्यारे प्यारे पल थे। बोलिए ये मतलब एक सेकेंड, ये क्या कनेक्शन था, क्योंकि ब्यूटीफुल कपल है आप लोगों के इसलिए लॉकअप के, अरे पर इतने आजादी से पर क्यों जाए, लॉकडाउन से निकल के लॉकअप में जाए। अपकमिंग मेबी इट्स समथिंग दैट वी आर कंसीडरिंग एक्चुअली, म्यूजिक वीडियो हमें करना चाहिए साथ में, है ना। एक तो है जो हम लोग सोच रहे हैं और एक है जो कि इम्तियाज अली जी के प्रोडक्शन के अंदर एक बना भी है म्यूजिक वीडियो एंड दैट्स लाइक अ शॉर्ट फिल्म जो कि देहरादून फिल्म फेस्टिवल में फिलहाल जाने वाला है, वो अभी आने वाला है, बहुत ही जल्दी रिलीज होगा अगले हफ्ते में, उसमें विवेक ने भी स्पेशल अपीयरेंस किया है। इट्स एन एनसेंबल ऑफ स्मॉल स्टोरीज, स्मॉल स्टोरीज बट ब्यूटीफुली शॉट, यू लाइक इट। हाँ जी हाँ जी, काफी कुछ आने वाला है। थैंक यू गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे जी, थैंक यू सो मच, वाज लवली टॉकिंग टू यू।